हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आइए, आज का बड़ा ही सुंदर टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि संगीत एक गणित है। अगर इस गणित को आप समझ जाते हैं तो पूरी संगीत को आप समझ जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, संगीत पूर्णतः एक गणित पर टिका हुआ है। बिना गणित के संगीत हो ही नहीं सकता। गणित क्या है? गणित एक मानसिक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन के हर एक समय करते हैं। नहीं, मतलब अगर जीवन में गणित नहीं है तो फिर वो तो जीवन चल ही नहीं पाएगा, जीवन तो निरस हो जाएगा। एक संगीतकार जो है क्या करता है, तरह तरह के लय बनाकर एक धुन तैयार करता है, तरह तरह का लय। तो लय क्या है? लय भी एक गणित ही है। तरह तरह के लय तैयार करता है और तब वो एक धुन बनाता है और उसमें क्या करता है, स्वर के नोट्स को जोड़ता चला जाता है। स्वर के नोट्स जोड़ता है तब जाकर के वह एक संगीत तैयार करता है। आप सुनते होंगे, कहा गया है कि संगीत सुनने वाला व्यक्ति, संगीत जो सुनता है उस व्यक्ति की गणितीय क्षमताएं बड़ी ही तंदुरुस्त होती है, बड़ी बेहतर होती है, उसका गणित भी अच्छा होता है। तो संगीत हर एक को सुनना चाहिए और संगीत हर एक को सीखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा कलाकार बनने के लिए ही सीखें या इसको समझें या इसको जानें। नहीं, आप संगीत तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। संगीत एक सुकून देने वाला, एक आत्मसंतुष्टि देने वाला या शिक्षा है, तो इस शिक्षा को सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि संगीत और गणित क्या है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि ताल, जो कुछ भी हम गाते हैं तो एक ताल में हम गाते हैं। हमेशा आप सुनते होंगे कि जो कुछ गाएं उसको ताल में गाएं, ताल में गाएं, रिदम में गाएं, लय में गाएं। तो क्यों गाएं? तो ताल क्या है? ताल एक गणित ही है। बिना ताल के वह संगीत आपका निरस हो जाएगा। संगीत का प्राण होता है ताल। तो अगर शरीर से प्राण ही निकाल लिया जाए तो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। ठीक उसी तरह बिना ताल का संगीत मुर्दे के समान होता है। तो ताल पूरा गणित है। तो इसको आज हम समझेंगे। जैसे मान लो कि हमें ताली दे रहे हैं, ये ताल, तो ताली क्या है? जैसे 1 2 3 4, तो हम सरगम का जो अभ्यास करते हैं, पलटो का जो अभ्यास करते हैं, तो उसको भी गणित के साथ ही करते हैं। जैसे एक ताली पर एक बार हम बोलते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, तो एक ताली पर हम एक बार बोले, ठीक है। अब इसको दुगुन करना होगा, यानी गुणा करने दुगुन करना होगा, तो एक ताली पर क्या बोलेंगे, दो बार बोलेंगे। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, एक ताली पर दो बार पड़ रहा है। जैसे पहली बार हमने क्या बोला, सा रे ग म प ध नि सा, एक ताली पर एक बोल आया, एक स्वर आया। और दुगुन जब हम करेंगे तो क्या होगा, दो बोल आएंगे, यानी दो स्वर हम बोलेंगे। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, तो ये दो गुण हो गया, इसमें भी गणित आपका मिला हुआ है, ठीक है। आइए हम स्वर पकड़ लेते हैं, हम बिना स्वर के ही गा रहे थे उसको, जैसे सा सा, तो एक ताली पर एक बोलेंगे सा रे ग म प ध नि सा, एक ताली पर, ठीक है। अब दुगुण में दो बार सा रे ग म प ध नि सा, फिर और करेंगे तो वही सा नि ध प म ग रे सा। अब जो हम त्रिगुण करेंगे तो क्या होगा, एक ताली पर हमारा तीन स्वर जाएगा। जैसे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे ग रे सा, ठीक है। तो ये त्रिगुण हो गया, एक ताली पर हमारा तीन स्वर आ रहा है। पहली में जब अस्थाई में थे तो एक स्वर आया एक ताली पर,
दुगुण में दो स्वर आया, त्रिगुण में तीन स्वर आया। ठीक उसी तरह जब हम चौगुण करेंगे तो क्या होगा, चार स्वर आएंगे एक स्वर, एक ताली पर कितने स्वर आएंगे, चार स्वर आएंगे। जैसे सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारे ग म, तो सा सा रे ग म, ये चार स्वर एक ताली पर आ रहे हैं। जैसे सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारे ग म प ध नि सा, तो ये चौगुण हो गए। तो यहां आप समझ गए कि गणित और संगीत यानी स्वर यानी आवाज और गणित ये पूरे एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम कोई गाना ले लेते हैं, गाने में आप देखेंगे जैसे सा रे ग म, अब यहां पर हम कोई गाना बिठा देते हैं जैसे तेरे नैना, तो क्या हुआ एक दो तीन चार, ये चार बटन हमने लिए, चार स्वर भी हैं सा रे ग म, चार शब्द भी यहां पर लग रहे हैं, आप देखेंगे चार ही शब्द लग रहे हैं जैसे ते रे ने ना, चार बटन चार स्वर चार ही शब्द, ठीक है। तो क्या हुआ, बराबर हुआ, समान हो गया। अब हमारा लय क्या चल रहा है, जैसे सा रे ग म ते रे ने ना, एक दो तीन चार पूरा मिल रहा है, लेकिन जब ये गाना उठ रहा है तो लय हमारा यही रहेगा, लय हमारा यही रहेगा, ये जो चल रहा है हमारा लय यही रहेगा, लेकिन गाने क्या होंगे, गाने के जो बोल होंगे वो दो गुण में चले जाएंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया है कि ये गुण दो गुण त्रिगुण और चौगुण, तो गाने के बोल दो गुण में चले जाते हैं। जैसे तेरे नैना, तो गाना उठ रहा है तेरे नैना मेरे नैनों से, तो यहां दुगुण हो गया ना तेरे नैना, अब यहां पर एक ताली पर क्या हो गया, दो बोल आ रहे तेरे नैना, ठीक है। तो अच्छा यहां अब क्या होगा कि यहां स्वर भी आगे जा रहा है, जैसे पहले हमने कहा तेरे नैना तेरे नैना, लेकिन जब गाना उठ रहा है रिदम उठ रहा है तो कहां चल जा रहा है, तेरे नैना, तो गाना का स्वर आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच स्वर को छोड़ करके छठा स्वर पकड़ रहा है, जैसे तेरे नैना मेरे नैना से मिठी मिठी बातें करते हैं, तो कहां चला गया, यहां से डायरेक्ट यहां आ गया, और वहां से जब आया तो सभी स्वर को दो दो बार तीन तीन बार लेकर के आया। तो क्या है, एक गणित है, यह पूरा संगीत एक गणित से भरा हुआ है, तो उस गणित को आपको समझना है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अभ्यास करें पलटों का, रागों का, गीतों का, तो एक ताल को और एक लय को निश्चित करके तब आप अभ्यास करें, तो क्या होगा कि आपका वह जो अभ्यास होगा वह पूर्णतः सही सही होगा। अब जब आप उसके बाद कोई गाना गाएंगे या कोई भी गाना हारमोनियम से निकालना चाहेंगे, हारमोनियम से नहीं, ऑलरेडी दुनिया की कोई भी साज अगर आप सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं, कैसियो सीख रहे हैं, बैंजो सीख रहे हैं, कोई भी सितार गिटार कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसमें लय का और स्वर का बड़ा महत्व होता है, ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। एक साथ अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर आपका वो संगीत जो है वो मजेदार नहीं होगा, वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो इस तरह संगीत के गणित को हमें समझना है, एक गुण दो गुण त्रिगुण चौगुण। आप देखते हैं कोई भी गाने हम जो गाते हैं या गाने जो सुनते हैं, तो होता क्या है उसमें, कभी गाना अस्थाई रूप में होता है तो वाद्य जो उसमें बजते हैं यानी जो तबले बजते हैं या और सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो दुगुण त्रिगुण में बजते हुए होते हैं, या कभी कभी इंस्ट्रूमेंट जो है अस्थाई लय में होते हैं और गाने क्या होते हैं, गाने दुगुण त्रिगुण में होते हैं। तो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है किसका, गणित और संगीत का, ठीक है। तो जब भी आप अभ्यास करें पलटों का, प्रारंभिक अभ्यास से ही
आप शुरू करें इसको सारे गांव पदनी सा सानिध्य मगरे सा। तो प्रारंभिक आलाप ही आप लेते हैं, प्रारंभिक अलंकार ही अगर आप गा रहे हैं, पलटा गा रहे हैं, उसी में आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप लय पर ध्यान दें, ताल पर ध्यान दें और तब उसका अभ्यास करें। जब एक बार आपका अभ्यास लय के साथ ताल के साथ होने लगेगा तो उसके बाद जब भी आप अभ्यास करेंगे तो आपका वो एक लय में रहेगा, लय में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में कुछ भी आप बजाएंगे तो वो लय में होगा और ताल में होगा, और जब लय ताल में होगा तो आपका संगीत प्रभावशाली होगा और आपका गीत प्रभावशाली होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप भलीभांति समझ गए होंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक बार कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।